सो गाइस काइनमास्टर का एक नया लेटेस्ट फीचर आ चुका है जिसका नाम है वीडियो स्टेबलाइजेशन। रुको रुको रुको, डिस्क्रिप्शन में जा रहे हो? ठीक है जाओ। हाँ आ गया वापस। तो आपको नाम तो पता चल गया, वीडियो स्टेबलाइजेशन। दोस्तों एंड्रॉयड में आपको कुछ ही ऐसी एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं जिसमें आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का फीचर मिल जाता है, लेकिन वो फीचर भी सिर्फ नाम के ही फीचर हैं। उनमें अगर आप वीडियो को स्टेबलाइजेशन करते हो तो आपकी वीडियो इतनी परफेक्टली नहीं बनती। लेकिन जो काइन मास्टर का फीचर है उसमें मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल 100% बनेगी, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपकी वीडियो जो है वो स्टेबल हो जाएगी। दोस्तों इस फीचर को मैं फीचर नहीं बोलूँगा, काइंड ऑफ एक्सटेंशन बोल सकते हैं। ठीक है, हम इस एक्सटेंशन को काइन मास्टर के साथ लिंक करेंगे और वो कैसे लिंक करेंगे वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और ये एक्सटेंशन आपको कहाँ से मिलेगा ये भी वीडियो को लास्ट तक ही देख लेना, सॉरी तो भी वीडियो को लास्ट तक ही देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। दोस्तों आप इसको काइंड ऑफ एक्सटेंशन बोल सकते हो जो हम काइन मास्टर के साथ लिंक करेंगे। तो वीडियो स्टेबल करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। तो आपने सिंपली यहाँ पे अपनी उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को आप स्टेबल करना चाहते हो। जैसे कि मैं इस वीडियो को कर लेता हूँ, आप देख सकते हो ये जो वीडियो है ये बहुत ही शेकी टाइप की, आप देख सकते हो बहुत शेक्ड हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेबल करेंगे, बस वन क्लिक में ये स्टेबल हो जाएगी। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये प्रोसेस लेगा। ठीक है, आपकी जितनी मतलब वीडियो की लेंथ होगी उस हिसाब से ये टाइम लेगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा प्रोसेस लेगा तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ। ठीक है, सो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी वीडियो है वो बन के रेडी हो चुकी है। जो ऊपर वाली वीडियो वो ओरिजिनल है और जो नीचे वाली वीडियो वो स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, अब आप देख सकते हो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे ऊपर वाली जो वीडियो वो कितनी शेकी टाइप है और जो नीचे वाली वीडियो वो बिल्कुल स्मूद है, बिल्कुल स्मूद। अगर आपको और ज़्यादा स्मूदली करनी है यहाँ पे आपको ये एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो इसकी, ऐसे 100% कर सकते हो, जितना चाहे आप उतना कर सकते हो। लेकिन जैसे ये होगा ना, जैसे कि हम इसको इतना कर देंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा, मतलब थोड़ा जूम आउट हो जाएगा। जैसे हम इसको हाई करेंगे तो ये थोड़ा जूम हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फ्रेम जो है वो हल्का सा कट हो जाता है इसमें। लेकिन भाई अगर शेकी वीडियो है, शेकी वीडियो से अच्छा तो हमारा मतलब फ्रेम कट हो जाए, हमारी वीडियो स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको बिना इसके नाम के, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, हाँ बस बस, तो वो कैसे हमें करना है। तो हम यहाँ पे ऊपर सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे ऊपर, तो यहाँ पे आपको मीडियम हाई जो भी चाहिए, तो अभी मैं मीडियम रखता हूँ। ठीक है, और डायरेक्टली मैं यहाँ पे काइन मास्टर, ये दिख रहा है काइन मास्टर, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, ये एक्सपोर्ट होगा ऐसे, तो ये सीधा सीधा काइन मास्टर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसको होने देते, तो ये हमारा हो चुका है, तो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। तो ये सिंपली हमारे जो काइन मास्टर होगा उसके अंदर ये चला जाएगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, रोटेट हो गया, खुल जा खुल जा खुल जा, स्पेस भी फुल हो गई मेरे फ़ोन की। तो यहाँ पे हल्का सा प्रोसेस लेगा, तो यहाँ पे जो हमारी वीडियो है वो इंपोर्ट होके आ गई। मैं यहाँ पे प्ले करके बता देता हूँ आपको, आप देख सकते हो बिना नाम के वही वाली वीडियो है जो हमारी वो आ चुकी है इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी गैलरी में। सो गाइज अब बात करते हैं कि आपको ये एक्सटेंशन कहाँ से मिलेगा। आपको सिंपली अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ पे लिखना है ट्रिकी एनजे प्रो, जो फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आएगी वहाँ पे आपको चले जाना है और वहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, आपने वहाँ पे सर्च करना है वीडियो STABLE स्टेबल, वीडियो स्टेबल सर्च करोगे जो फर्स्ट आर्टिकल होगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा। सो गाइज अगर आपको फ्यूचर में आने वाली एप्लीकेशन चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लेट ही सही रिप्लाई दूंगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। तो आई नो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे।